नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत में आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसके बारे में आए दिन आप रस्ते में देखते हैं और आपके जहन में भी ये क्वेश्चन आता होगा, आखिर ऐसा क्यों। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि हर जगह सरकार ने टॉयलेट बनवाई है, इसके बावजूद लोग सड़कों पर टॉयलेट करते दिखते हैं। माना कभी ना कभी मजबूरी हो जाती है, आसपास कुछ नहीं रहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो सरकार ने आपको सुविधा दी है उसका आप इस्तेमाल ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। हर कहीं पे टॉयलेट करते लोग दिख जाते हैं, जैसे कि आपको इन फुटेजेस में भी दिख रहे हैं। तो इसी पर आज हम लोगों से भी राय जानेंगे कि आखिर सरकार अब और क्या करे। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, हर कहीं पर टॉयलेट बनाया गया है, इसके बावजूद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस पे उनकी क्या राय है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि टॉयलेट हर कहीं बना हुआ है, सुविधा दी है सरकार ने, इसके बावजूद भी लोग सड़क पर ही टॉयलेट करते हैं। ये देखिए उनकी मानसिकता है, यहाँ से वहाँ तक अगर आप कैमरा घुमाएंगे अभी, अगर किसी की मजबूरी है, टॉयलेट दूर है, जा नहीं सकता है, तो बात अलग हो गई। पर लोग इतने गंदे हो गए भारत में रहते हुए, ये हमारे देखिए स्वच्छ अभियान चलाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पर गंदगी भी देख लो, सफाई होती है फिर भी लोग गंदा कर देते हैं। यहाँ वहाँ तक देखिए कितने गंदे लोग बैठे हैं, पर अगर कंप्लेन भी करो तो उल्टा ये लोग राशन लेकर चढ़ जाते हैं। खाली यहाँ पर चीटिंगबाजी और फ्रॉड। टॉयलेट है ये सुबह 9 बजे खुलने का है और रात 9 बजे 8:30 बजे बंद कर देंगे, तो ये दोनों बातें 24 घंटे खुलना चाहिए जो लोग जाएँ। बहुत लोगों को मालूम नहीं नॉर्मल, पर सबसे ज़्यादा लोग हैं वहीं साफ रात के समय। आओ यहाँ पे 8-9 बजे देखिए, यार दिन तक ये दीवार जो बनी हुई है साइड में दीवारें देखिए बनी है, यहाँ पर पेशाब खुलेआम कर देते हैं लोग, बदतमीजी अभद्र व्यवहार पर कोई सुनवाई नहीं होती है। हालांकि यहाँ पे इतना बड़ा एक टॉयलेट बनाया हुआ है दिख रहा है, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि लोग यहीं पर कर लेते हैं। पर अभी स्टाफ भी कम हो गया, पहले स्टाफ था, मेंटेनेंस था, वो बात अब नहीं है। तो ये गंदगी देख लो आप, ये देख लो, ये देखिए इतना बड़ा शीशगंज गुरुद्वारा है, यहाँ सफाई होती, धर्मस्थल इसको भी नहीं, दूसरा नंबर यहाँ जहाँ रिक्शे वाले लगाए थूकता करते, जहाँ मर्जी होगा पेशाब करने, देखिए सब पड़ी हुई है। देखिए आप इधर जाके देखिए, इधर से यहाँ कैमरा घुमाइए, देखिए सब बाथरूम पेशाब सब पड़ा हुआ है। और टॉयलेट बगल में ज़्यादा दूर नहीं, प्राइवेट भी है, गुरुद्वारे के अंदर भी है, थोड़ा जाइए इस जगह लाजपत मार्केट के पास भी है, टाउन हॉल के पास भी है, पर लोगों की सोच कैसी है अगर बोलते हैं। और दूसरा नंबर इधर ज़रूर आप ले जाइएगा, नटराज के सामने अभी दिन दहाड़े बाथरूम करते हैं वहाँ। मैं मान रहा हूँ भी सरकार इतना प्रयत्न कर रही है और अदर कंट्री में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो अब लोग समझदार नहीं हो रहे, अवेयर नहीं हो रहे, जुर्माना लगा दिया फिर भी वो थूक रहे हैं, पान मसाला वगैरह कुछ भी थूक रहे, सड़क पे थूक रहे हैं, डस्टबिन है तो भी नहीं थूक रहे, तो मेरे को तो बड़ा दुख होता है ये चीज़ें देखता हूँ, तो बस यही बात है। तो आप क्या इस पर अपनी राय देना चाहेंगे, लोग स्टिल सड़कों पर ही गंदगी फैला रहे हैं? अभी जैसे 2002 से लेके और अभी के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत अंतर है। अभी की जो जनरेशन है उनको तो खास कर ध्यान रखना चाहिए, जो पहले के हैं वो तो चलो अपनी ज़िंदगी निकाल चुके, पर अभी के हैं उनको तो खास कर ध्यान रखना चाहिए और जो चीज़ बना दी उसकी भरपूर सुविधा उठानी चाहिए। बाहर जो जैसे गंदगी फैला रहे डस्टबिन का यूज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे उनको भी अवेयर कराना चाहिए भी आप इस चीज़ का यूज करें। मोदी जी ने जब से स्वच्छ भारतवाड़ा किया तब से साफ़ सफाई ज़्यादा देखने को मिली, जैसे रेलवे स्टेशन पर पहले साफ़ नहीं होते थे, अब साफ़ सफाई है। मेंटेलिटी लोगों की हम बदल नहीं सकते, कई बार इनको रोका जाता है फिर भी ये लोग वहीं पे करते हैं जहाँ पे इनका मन करता है। कुछ लोग तो चलो इमरजेंसी होती है, 1-1.5% समझ आता है, लेकिन सबके लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल है। तो ये इनिशिएटिव है आप लोगों ने शुरू किया, कुछ लोग मिलके इनको रोकेंगे तो जैसे कि हम सबसे जानना चाह रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वॉशरूम बने हुए हैं हर कहीं पे, सरकार ने ये सुविधा दी है, स्टिल लोग टॉयलेट रास्ते पर ही करते हैं और लोगों से राय भी पूछ रहे हैं, इसी पे आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों नहीं सुधर रहे हैं? या तो वॉशरूम साफ नहीं है या वहाँ पे बहुत गंदगी है, ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं तो प्रॉपर उन्हें यूज़ करना चाहिए, बाहर क्यों गंदगी फैलाते हैं लोग? अभी ये इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो वो इनको जब तक समझ नहीं आएगी तो ये गंदगी तो बढ़ती रहेगी। ये गलत करते हैं ना, बना है टॉयलेट तो अपनी जगह पे करें ना, वैसे पब्लिक आती जाती है, लेडीजें आते जाते हैं,
तो हर जगह टॉयलेट घर बना हुआ है, गवर्नमेंट ने बनवा रखा है, तो उस पर करें। सुरक्षा अपना क्या नाम है, सब सेफ्टी अपने हाथ में है। तो सुना आप लोगों ने, किस तरह से लोगों की भी यही राय है कि सरकार ने सुविधा दी है टॉयलेट की हर जगह पे, इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो सड़कों पर टॉयलेट करके गंदगी फैला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है और ये बहुत ज़्यादा गलत है। और लोगों की जो मानसिकता है वो सुधर नहीं रही है। लोग ये मानते हैं कि हाँ हम कहीं पे भी कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ये गलत है। और ये मुहिम हम श्रेष्ठ भारत में इसलिए चला रहे हैं ताकि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो अच्छे से फॉलो किया जाए। हर कहीं पर सरकार ने वॉशरूम बनाया है, टॉयलेट्स बनाए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अब हाथ पकड़ के खींच के लेके जाएंगे आपको। आपको क्या लगता है इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों ये मान चुके हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी तमाम अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती, मेरे साथ है अजीत सिंह, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत।